धर्म को पढ़ा है, हम अपने अकॉर्डिंग कहेंगे, हम किसी और के अकॉर्डिंग नहीं, क्योंकि हमने सभी धर्मों को जैसे चारों वेद पढ़े हैं, गीता, रामायण, महाभारत, तो इन पवित्र ग्रंथों को हमने पढ़ा, उसी के साथ पवित्र कुरान शरीफ, कुरान मजीद, इन पे हमने रिसर्च किया सभी धर्मों पे। तो उसमें हमें नहीं लगता कि पैगंबर साहब ने कभी ये कहा होगा कि किसकी बेइज्जती करो या किसी को पल में बेघर कर दो। हमें लगा नहीं उनकी बाणी पढ़ के, उनकी एक एक अल्फाज पढ़ के हमें लगा ही नहीं कि उन्होंने ऐसा कुछ किया होगा। बाकी इसके विचारक जानते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, क्योंकि धर्म का मुद्दा है। लोग हमारी बात का तो वैसे ही जरा इसी बात को उठा लेते हैं, लेकिन ये हमारा नज़रिया है कि उनका पहला रहमान रहीम, कि जो रहमान है वो रहमो करम करने वाला है, ये उनका पहला अल्फाज। तो जो रहम कहता है वो कभी किसी पे जाती हो जाए ऐसा सोच नहीं सकते। बाबा जी, आपका इतना हेक्टिक स्केड्यूल होके भी आप इतने फ्रेश और एनर्जेटिक कैसे लगते हैं, क्या राज है? ये बहुत सारे बच्चों का सवाल रहता था वहां शूटिंग करते थे। आपने बेटा जो कहा बिल्कुल सही कहा, बहुत सारे लोग ऐसा मानते नहीं थे। हम आपको इसी बात का जवाब देने से पहले बताएंगे कि हम बेटी के साथ आ रहे थे मुंबई में पिछली बार, तो हमारे साथ उनका बेटा बैठा हुआ था, तो वो एक एयर होस्टेल लड़का आया, कहता गुरुजी ये आपका बेटा है? हमने कहा नहीं, हमारी बेटी का बेटा है। कहता हो ही नहीं सकता। हमने कहा यार बेटी का बेटा है। कहता नहीं नहीं नहीं, मानते नहीं मैं। वो चला गया, वहाँ बेटी पीछे बैठी थी, कहता दीदी वो सॉरी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आगे जो ऐसे गुरुजी बैठे हैं तो उनके पास बच्चा किसका है? कहती मेरा बेटा है। हमें आके सॉरी बोला, कहता है गुरुजी है तो उनका बेटा पर मैं नहीं मानूंगा, मुझे लगता आपका है। तो हकीकत ये है बेटा, हम जो हमारे सारे धर्मों का निचोड़ है कि भाई इबादत करना चाहिए, कलमा अता करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, गुरुमंत्र मैथ्रो मेडिटेशन करना चाहिए, हमने शायद 5 साल की उम्र से वो शुरू किया था और आते आते हम 15-15 घंटे भी करते रहे, और उससे ऐसी एनर्जी आती है, ऐसी ताकत आती है, सामने क्या आ रहा है, लोग आपको क्या बोल रहे हैं फर्क नहीं पड़ता, हम सही मार्ग पे जा रहे हैं तो चलते ही जाएंगे, लोग कहने वाले कहते रहे क्या फर्क पड़ता है हम, तो शायद वही कारण है ये सब कुछ, अदरवाइज बेटा अलग से हमने ऐसा कुछ किया नहीं। थैंक यू जी। जी बेटा। गुरु जी मेरा सवाल दोबारा आपसे लेफ्ट में है। जी जी, लेफ्ट में। जी सर, स्क्रीन में तो आप बड़े क्या कहते हैं कि गुस्से से पेश आ रहे हो, सभी को मार रहे हो, अब रियलिटी में आपको गुस्सा आता है क्या? जी बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा। फिल्म में फिल्म का अंदाज निभाना पड़ता है, रियलिटी में भी कभी कभार गुस्सा आता है, और उसका कारण होता है कि हम एक संत हैं, एक फकीर हैं, हमें लगता है कि ये इंसान ये गलत काम कर रहा है, और अगर इसको रोकेंगे नहीं तो इसके आने वाले दिन बहुत ही ख़राब हो जाएंगे। हम प्यार से रोकते हैं, इज्जत से रोकते हैं, नहीं मानता तो कई बार थोड़ा गुस्से में भी बोलते हैं ये तो करता क्यों नहीं, मानता क्यों नहीं, इस टाइप, तो इस टाइप का तो हमें आता है, सभी क्रू मेंबरों ने भी देखा है, लेकिन उसके पीछे हमारा पर्सनल कुछ ऐसा होता हो कि मेरे कपड़े ख़राब कर दिए या मेरा ये कर दिया, उसके लिए कभी हमने कभी सोचा ही नहीं, गुस्सा आना तो बहुत दूर की बात है। हाँ ये चीज़ें ज़रूर होती थी कि जी आपकी आवाज ही काफी है। हाँ गुरु जी, मैं आपसे एक लास्ट सवाल है, ये फिल्म के थ्रू आप क्या मैसेज देना चाहते हैं लाइन हार्ट, आप हमारी जनता को, देश को क्या मैसेज देना चाहते हैं जिससे कि लोग उसके ऊपर अट्रैक्शन लें और उस बातों को जाए, मैसेज जाए आपका, लोग उसको देखें? जी इस पूरी फिल्म में एक तो हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे इंडिया का जो यूथ है, नौजवान है, उसने पूरी दुनिया का नाम रोशन कर छोड़ा है। अगर बाहर टेक्निक है तो हमारे यहाँ हाई टेक्निक है, हमारे बच्चों के माइंड बहुत ही पावरफुल हैं, उनको मौका नहीं मिल पा रहा। आपने लॉयन हार्ट में देखा वो जो स्टंट कर रहे हैं कि पेन से ये बना वो बना वो बना, ये रियल में भी ऐसा हो सकता है, इतना ज़्यादा माइंड है इन बच्चों का, क्योंकि इन्होंने ऐसा किया है। एक छोटा सा उदाहरण, एक डॉक्टर थे, हार्ट स्पेशलिस्ट, उन्होंने हमसे पूछा कि गुरु जी हार्ट में ब्लड कैसे जाता है, सीधा फ्लो है या लाइक ए बुलेट? हमने कहा हम कौन सा डॉक्टर हैं? कहता मैं आपका शिष्य तो हूँ, आप गुरु हैं तो बताना पड़ेगा। तो हमने सोचा, ईश्वर से प्रार्थना की, ख्याल आया कि लाइक ए बुलेट होता है, तो उसने इंडिया में बहुत ट्राई की, बहुत ऊपर तक गया, लास्ट सबसे टॉप भी गया, लेकिन उसको नहीं माना गया, बहुत साल पहले की बात।
उसने जाके यूएसए में वो अपने कागज सबमिट कर दिए और यूएसए ने उसको मान लिया। आज हार्ट की जो मानी जाती है थ्योरी, वो बुलेट लाई के बुलेट ब्लड जाता है, पहले वाली थ्योरी सब फेल हो गई और वो यूएसए का टॉप डॉक्टर है। सो कहने का मतलब कि यूथ हमारा इधर का दिमागी तौर पे या पावर के तौर पे किसी से कम नहीं है, पर उनको सही मौका मिल जाए तो हाईटेक इसमें थोड़ा सा हमने वो चीज़ें दिखाई हैं। और फिर ये दिखाया है, क्योंकि आम तौर पे फिल्मों में देखा गया, बच्चे बताया करते हैं कि ज़्यादातर यही दिखाया जाता है, भारत तो बड़ा ही गरीब है जी, ये तो ऐसा है जी, इस पर तो बड़े जुल्म हो रहे हैं, लेकिन हमने ये दिखाया है हमारा भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था। एक ऐसे ऐसे योद्धा पैदा हुए हैं, लोग जमीन जायदाद के लिए लड़ते थे और इसमें जो योद्धा है वो बहनों की इज्जत और धरती माँ की इज्जत बचाने के लिए लड़ता है, ताकि आज का यूथ जाग जाए, इज्जत लूटने की बजाय इज्जत बचाने में लग जाए, तो शायद इस भारत में कभी कोई ऐसा झगड़ा हो ही ना और ऐसी चीजें नफरत फैले ही ना। गुरु जी, अभी ये आपकी थर्ड फिल्म आ रही है। हाँ जी, हाँ जी। और रिसेंटली आपको दादा साहब फल्के अवार्ड भी मिला और वहाँ पे उसमें सुना कोई फिल्म इंडस्ट्री के लिए, बिकॉज यू आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ फिल्म इंडस्ट्री, कुछ वेलफेयर के लिए कुछ करने वाले हैं, थोड़ा हम सब लोगों को बताइए कुछ अपना फिल्म इंडस्ट्री के वेलफेयर के लिए कुछ आपके बड़े प्लान्स हैं, बताइए। जी जी, हमने जो सोचा था वो यही सोचा था कि कोई भी जैसे फाइट मास्टर आते हैं हमारे आए, उनसे भी हमने बात की थी कि अगर किसी के चोट लगती है और वो पूरे लाइफ के लिए बिल्कुल अंगहीन हो जाता है या बेरोजगार हो जाता है, तो हम उसका पूरा साथ देंगे। किसी को ब्लड की ज़रूरत है, क्योंकि इस आ गए हैं अब इसमें फिल्मी जगत में, तो इसमें अगर किसी को ब्लड की जरूरत पड़ती है तो फ्री में उसे ब्लड डोनेशन किया जाएगा, मालिक ना करे ऐसा हो, पर किसी के थैलेसीमिया के मरीज बच्चा है या इस टाइप का, तो उसका पूरा साथ देंगे। और कोई नशा कर रहा है किसी का बच्चा और हद से ज़्यादा उसके माँ बाप दुखी हैं कि भाई ये निकल ही नहीं पा रहा, तो हम वहाँ जब बच्चों को रखते हैं वो टोटली फ्री होता है, रहना खाना पीना सब, और सिर्फ मंत्र वो जो कलमा कह लें, गुरु मंत्र कह लें, उसके द्वारा हम टोटली नशा छुड़वा देते हैं। तो ऐसा नशा छुड़वाने के लिए भी उन बच्चों को ले जाके हम उनका छुड़वाएंगे, बस परिवार का एक मेंबर उनके साथ रहेगा, उनका भी रहना पीना खाना सब फ्री होता है। तो ये सारी पहल हमारे दिमाग में है और आज आपके द्वारा बताना भी चाह रहे हैं कि ऐसा कोई भी मजबूर इंसान जो इस जगत से जुड़ा है और वो ऐसा कुछ उसके साथ हो गया है, तो वो जरूर मिले और हमारे लोग उनसे मिलें ताकि उनकी वो समस्या दूर कर पाएं। जी बाबा जी, एक सवाल सर। हाँ जी, हाँ जी। सर मेरा सवाल है कि बॉलीवुड के हर कोई स्टार, चाहे वो शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, वो कपिल शर्मा के शो में जाता है, क्या आप भी जाएंगे फिल्म प्रमोट करने के लिए उनके शो में? वही बात बेटा कि अगर उन्होंने ये टाइम लिया हुआ है हकीकत वालों ने, तो जरूर जाएंगे, और अगर उन्होंने नहीं लिया हुआ तो आपको बोला कि आप चौथा स्तंभ हैं, हमें लगता है इससे बड़ी मशहूरी और इससे बड़ी बात दुनिया तक और कैसे जाएगी। आप भी तो स्टार हैं, ये हकीकत है, हम आपके कोई मक्खनबाजी नहीं कर रहे, क्योंकि हम फकीर हैं, मक्खनबाजी कोई और करता होगा, हम संत हैं, तो हमें लगता है कि आप चौथा स्तंभ ऐसे ही नहीं है, आप समाज को वो बात पहुंचा दें जो सच सच होती है, तो हो ही नहीं सकता कि समाज ना बदले, इसलिए आप चौथा स्तंभ हैं। तो आपके सामने जब बात हो रही है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हम आप तक संदेश पहुँचा और आप दुनिया तक पहुँचाएंगे। बाकी उनका अगर कोई ऐसा प्रोग्राम होगा तो हमें जाने में कोई ईगो या ऐसा वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बाबा जी, जैसे कि आपने मीडिया के बारे में बात किया, तो दो दिन पहले 3 पत्रकारों को पीटा गया, बदसलूकी की गई हमारे एंटरटेनमेंट के, सभी वरिष्ठ पत्रकार थे, तो क्या कहना चाहेंगे? ऋषि कपूर जी ने उन्हें बदसलूकी की, रणधीर कपूर ने हमारे एक News 24 के पत्रकार को, कमल सर को उन्होंने मारा, और दूसरे पत्रकार को एक सुमित सर है जो एंटरटेनमेंट के हेड वरिष्ठ पत्रकार है इंडिया टीवी के, उनको भी गिराया गया, तो आप कैसे देखते हैं कि बॉलीवुड के एक्टर्स पत्रकारों से बदसलूकी की गई? आप एक बाबा है, आप हमेशा एक अच्छा ही मैसेज भेजते हैं हर जगह, लोगों को एक गुड मैसेज आप भेजते हैं, तो पत्रकारों को पीटना, बदसलूकी करना, आप कैसे देखते हैं? अगर जैसे आपने बताया, क्योंकि हमने ये न्यूज़ देखी नहीं है और हमें पता नहीं हुआ क्या वास्तव में, अगर उन्होंने ऐसे मारा पीटा है तो ये बहुत ही गलत बात है। हर इंसान को अपनी बात कहने का हक है, कोई किसी का गला नहीं दबोच सकता। और दूसरी बात, अगर कोई धक्का मुक्की में कोई गिर जाता है वो एक अलग चीज़ है, उसको मारना हमारी नज़र से नहीं है। और तीसरी बात ये है कि आपस में जब आप लोग पूछ रहे हैं तो उसका जवाब दें, अगर नहीं देना तो आप ये कह सकते कि मैं नहीं दूंगा, लेकिन हाथापाई करना हमारे नज़रिए से बहुत ही गलत है। आश्रम में ऐसा अगर कोई कर देता है, क्योंकि वहाँ 6 करोड़ लोग आते हैं, कोई ना कोई अगर ऐसा बोल देता है, तो हमारे पहले गुरु जो श्यामस्ताना जी महाराज आए थे,
अब वो सेवादारों को कहा करते थे कि आप 24 घंटे व्रत रख लें, खाना ना खाएं, ताकि आपको पश्चाताप आए, यार मैंने ऐसा किया था, कम से कम समझ तो आए। तो हमें लगता है ऐसी पहल अगर लोग कर लें तो आगे से शायद वो ऐसा ना कर पाए। 24 घंटे काफ़ी है, दो दो घंटे खाने वालों के लिए। नमस्ते।